मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको थॉमस हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, अपन चर्चा करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत है, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेनिटी। यद्यपि हॉब्स से पूर्व बोदा ये कह चुका था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का बंधन या सीमा नहीं है, सिवाय प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा संपत्ति की रक्षा के अधिकार को छोड़कर। हॉब्स ने अपने पुस्तक लेवियाथन में राज्य के निरंकुशतावाद का क्रमबद्ध रूप से सिद्धांत विकसित किया है तथा संप्रभु को बोदा द्वारा लगाई गई सीमाओं से मुक्त कर दिया। इसी विचार बात को सेबाइन ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, बोदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। इनको हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से इनका विवेचन करना चाहेंगे। तो संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याकार भी है, व्याख्याता भी है। संप्रभुता असीमित, संप्रभुताधारी, ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञा ही मात्र है और वह उनसे ऊपर है। जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है, उचित है और न्यायपूर्ण है, और जो कुछ भी इसके विरुद्ध है वह अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अनैतिक है। संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत होता है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण ग्रेडेशन करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। संप्रभु न्याय का स्रोत होता है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह हैं कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस के लिए कोई स्थान नहीं। अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, सिवाय आत्मरक्षा के अधिकार के।
युद्ध और शांति का निर्णायक। हाब्स आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, या फिर कहना चाहिए बाह्य क्षेत्र, दोनों में संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है। युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है, और उसकी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। संप्रभुता अविभाज्य और अध्येय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, और न ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। कोई भी व्यक्ति या समुदाय संप्रभुता के सर्वव्यापी क्षेत्राधिकार से मुक्ति का दावा नहीं कर सकता, अर्थात राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। वो संप्रभुता या संप्रभु से ही अपनी अस्तित्व की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्राधिकार है वो सर्वव्यापी है। और अंत में हम उपसंहार के रूप में यह कह सकते हैं कि हाब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हाब्स के द्वारा संप्रभुता की ये विवेचना किसी व्यवस्था विशेष को न्यायोचित बतलाने के लिए नहीं, वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई है। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ।